बांद्रा फैमिली कोर्ट में चल रहे एक तलाक मामले में पत्नी ने अपने पति को अय्याश बताते हुए 200 करोड़ रुपए की मांग रखी। जल्द ही मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर फ्री वाईफाई में मिलेगी 4G जैसी स्पीड। मीरा रोड के एक स्कूल में यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बाद पुरुष शिक्षकों को हटाने का लिया गया निर्णय। एक फेसबुक यूजर ने बालाजी टेलीफिल्म्स की मालिक एकता कपूर का फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर एक एक्टर से 7 लाख रुपए ठगे। भिवंडी में शराब पीने के लिए पैसे देने के नाम पर 3 दोस्तों में हुए आपसी विवाद से नाराज एक दोस्त ने अपने ही भाई की मदद से अन्य दोनों दोस्तों के ऊपर रॉड से हमला कर दिया, जिसमें एक दोस्त की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। गेटवे ऑफ इंडिया पर आज नौसेना मनाएगी नौसेना दिवस। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे। याहू ने लॉन्च की नई चैटिंग ऐप, जिसे वेब, एंड्रॉइड और iOS में चलाया जा सकता है। अपनी आगामी फिल्म एयरलिफ्ट को लिफ्ट कराने के लिए अक्षय कुमार कर सकते हैं बिग बॉस में एंट्री। हिट एंड रन केस में सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने सलमान की जमानत रद्द करने की याचिका को किया खारिज। शेयर बाजार में सेंसेक्स 96% से गिरकर 25,638.11 पर पहुंचा। निफ्टी 5% से गिरकर 7,781.90 पर पहुंचा और पूरा टर्नओवर पहुंचा 2,999.76 करोड़ पर। लगातार खबरें जानने के लिए डाउनलोड कीजिए मेरा इलाका एंड्रॉइड ऐप।